हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल खाना की क्लास। कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल, ये रिएक्शन दिया हुआ है, कैलकुलेट करना है ईएमएफ ऑफ द सेल। तो चलिए सॉल्व करते हैं ना, यूजिंग नर्नस्ट इक्वेशन। ठीक है, नर्नस्ट इक्वेशन क्या होता है, ई सेल, यही कैलकुलेट करना है। ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी अपॉन में एन एफ, ठीक है ना, लॉग मतलब एल एन कैथोड अपॉन में एनोड अपॉन में कैथोड। एनोड ध्यान देना है, जो वैल्यू दे रखी है वही एनोड है और ये कैथोड है। तो निकिल 2+ चार्ज अपॉन में ए जी प्लस चार्ज, और ये 2 लिखा हुआ है तो आप स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर। चलिए ई नॉट सेल की वैल्यू 1.05 माइनस, बताया था आपको आर टी अपॉन में एफ की वैल्यू होती है 0.059 वोल्ट। तो ये वैल्यू पुट कर लेंगे 0.059 अपॉन में एन, मतलब ये जो बता रहा है आपको एनोड पे चार्ज, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, 2 लिख लेंगे, लॉग एल ओ जी लॉग आ जाएगा। निकिल की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.160, ए जी की वैल्यू कितना है 0.002, ठीक है ना, यही वैल्यू है। ओके चलिए कैलकुलेट करते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ए जी की वैल्यू यही है ना, हाँ ए जी की वैल्यू यही है। चलिए 1.05 माइनस, ये बोल्ट लिखा हुआ है तो बोल्ट लगा लीजिए, ठीक है, माइनस इसका डिवाइड देना सिखाया था आपको यहाँ पर, मैं इसका फिर दोबारा लिख देता हूँ, ये 0.059 क्या हो जाएगा 59 अपॉन में 2 इनटू, देखिए 3 डिजिट है तो 10^3 हो जाएगा। ये 59 में आप डिवाइड कर लीजिए, 2 2 जा 4 1 आ जाएगा, एंड 2 9 जा 18 1 आ जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 2 5 जा 10 29.5 होगा, और 10^3 है तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, इस 3 डिजिट के बाद तो 0.0295 हो जाएगा बोल्ट, 0.0295। ओके लॉग इसको लिख सकते हैं 16, देखिए 0.160 और ये है 0.00, मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग जो है 2 2 जा 4 और 4 इंटू 3 डिजिट है तो 10^6, तो ये 10^-6 यहाँ होगा तो ऊपर भेज देंगे 10^6, और ये देखिए ये 3 डिजिट है तो इसका आ जाएगा 10^3, तो 10^3 और 10^6 ये कैंसिल, तो 116 10^ इसका 1 लिख सकते हैं इसको, एंड 10^3 प॔न में 4 4 4 जा 16 4 × 10^4 हो जाएगा ये, तो इसको लिख लेंगे लॉग 4 × 10^4 सिंपल, ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं 1.05 वोल्ट, ये भी बार वोल्ट है, माइनस 0.0295। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग 4 लॉग एम इंटू एन, फार्मूला बताया था लॉग एम इंटू एन, क्या लिख सकते हैं लॉग एम प्लस लॉग एन, इसको भी लिख लेंगे लॉग 4 प्लस लॉग बेस 10, ठीक है ना, तो 4 आ जाएगा यहाँ पर, 4 लॉग 10 लिख सकते हैं इसको, लॉग 4 की वैल्यू होती है 0.60, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, ये लॉग 4 की वैल्यू, लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है। अब कुछ मज़े की बात बता रहा हूँ, लॉग 10 और लॉग 100,
लॉग 10 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2 होती है, इसके बीच में जो भी आएगा जैसे लॉग 11, लॉग 12, लॉग 13, तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग होगा जो है, ठीक है ना। लॉग से रिलेटेड कोई भी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही हो आपको तो कमेंट करके पूछिए, मैं आपका डाउट सॉल्व करूँगा, बताऊँगा। तो इसको लिख लेंगे 1.05 वोल्ट माइनस 0.0295। तो लॉग 4 की वैल्यू बताया था 0.60 और प्लस 4, तो 4.0 60 हो जाएगा 60। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना, एंड उसके बाद माइनस कर लेंगे 1.05 वोल्ट। चलिए जब इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको मिलेगा, मैं यहाँ पर कर देता हूँ, कैलकुलेटर से भी कर दे रहा हूँ, यहाँ भी कर दे रहा हूँ कि 0.0295 मल्टीप्लाई 4.60, तो ये आपका आ जाएगा 0.1357। मैं ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, क्या आया था, ई सेल इज इक्वल टू 1.05 वोल्ट माइनस 0.135, दो डिजिट रख लेंगे तो भी ठीक है, ठीक है ना। अब माइनस कर लीजिए 1.05, तो 0.914 क्या आ जाएगा, 0.914, इतना इनफ है जो है वोल्ट ई सेल की वैल्यू, ठीक है ना। यही पूछा था कैलकुलेट द ईएमएफ, या डायरेक्ट पूछ लेगा आपको कैलकुलेट द ई सेल, ई सेल की वैल्यू फाइंड आउट करिए, ठीक है ना। सिंपल, बिल्कुल सिंपल है। लॉग से रिलेटेड कहीं भी कुछ भी डाउट हो रहा है आप कमेंट करिए, पूछिए, मैं आपका डाउट क्लियर करूँगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, है ना, मुझे भी लगे कि कोई देख रहा है वीडियो जो है, एंड फिर मैं और वीडियो बनाता रहूं, तो नोट कर लीजिए।